अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। फर्स्ट बाइट ने पहले ही बता दिया था कि 4,000 करोड़ के महा घोटाले बाद संजय भाटी वे उसके गुर्गों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश के लाखों लोगों को बाइक बोट के नाम पर अपने मकर जाल में फंसाने में माहिर संजय भाटी वे उसके उन तमाम गुर्गों पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गैंगस्टर लगा दिया है जो फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे हैं। यह बात अलग है कि इस महा घोटाले में लिप्त बड़े नाम बीएन तिवारी, दीप्ति बहल, ललित व भूदेव जैसे बड़े मगरमच्छों के सफेद कॉलर तक अभी पुलिस हाथ नहीं पहुंचे हैं, जबकि पिछले करीब 1.5 साल से यह लोग बराबर इस घोटाले में अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लुटा देने वाले निवेशकों की छाती पर बाहर रहकर मूंग दाल डल रहे हैं। हालांकि अब संकेत मिलने लगे हैं कि जल्द ही अब उन लोगों के गिरवान तक भी पुलिस के हाथ पहुंचने वाले हैं जो बाइक बोट के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। उन लोगों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं जिन्होंने संजय भाटी व गैंग का मोटा पैसा मॉल व अन्य प्रॉपर्टी में लगवाकर मोटी दलाली खाई है। इस बीच ताजा घटनाक्रम यह भी हुआ है कि इस घोटाले से जुड़े 11 और मुकदमे ईओडब्ल्यू के पास विवेचना के लिए आ गए हैं। अब कुल मुकदमे 68 हो गए हैं। बता दें कि फर्स्ट बाइट इस मुद्दे को पहले दिन से ही उस समय से बेहद शिद्दत से उठाता आ रहा है जिस वक्त मीडिया ने इसे एक सिरे से नजरअंदाज कर दिया था। करीब 20 माह पूर्व राजस्थान के जयपुर निवासी सुनील मीणा ने दादरी थाने में बाइक बोट महा घोटाले में पहला केस दर्ज कराया था। संजय भाटी एंड गैंग के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पुलिस के तमाम जिम्मेदार और आला अफसर सवाल पूछने पर इधर उधर झांक रहे थे। इस पर मुजफ्फरनगर निवासी मुन्ना बालियान की अगुवाई में गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स के कोट गांव स्थित मुख्यालय पर पिछले 1.5 साल से धरना चल रहा है। इसके नतीजे भी अब आने शुरू हो गए हैं। निवेशकों के ही दबाव में मुख्य आरोपी संजय भाटी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस और मेरठ ईओडब्ल्यू व नोएडा एसटीएफ ने इस मामले में कुल मिलाकर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। पुलिस की केस डायरी के मुताबिक बाइक बोट फर्जीवाड़े में कुल 38 आरोपियों के नाम हैं। इसके चलते अभी भी 22 आरोपी फरार हैं। आज जिन 15 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया है उनमें संजय भाटी पुत्र रतन सिंह भाटी, राजेश भारद्वाज पुत्र शंकरलाल निवासी खुर्जा, विजयपाल कसाना पुत्र भंवर सिंह निवासी फलावदा मेरठ, हरीश कुमार पुत्र हरमेश सिंह निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी जालंधर, विनोद कुमार पुत्र पुष्कर सिंह मवाना मेरठ, संजय गोयल पुत्र हंस कुमार गोयल निवासी अप्पू एनक्लेव पल्लवपुरम जिला मेरठ, विशाल कुमार पुत्र गजराज सिंह निवासी मवाना मेरठ, राजेश यादव पुत्र राम सिंह यादव निवासी जालंधर, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र शिवकरण सिंह निवासी खादमोहन नगर सियाना बुलंदशहर, विनोद कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी झज्जर हरियाणा, आदेश भाटी पुत्र गिरिराज निवासी दनकौर जिला गौतम बुद्ध नगर, सचिन भाटी पुत्र रतन सिंह भाटी निवासी दनकौर जिला गौतम बुद्ध नगर, करण पाल पुत्र केरी सिंह निवासी गंगा सागर गंगानगर मेरठ, सुनील कुमार पुत्र कलवा सिंह निवासी नवादा बुलंदशहर और पवन भाटी निवासी ग्राम चित्ती थाना दनकौर गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा डॉक्टर राम सुरेश यादव ने फर्स्ट बाइट को यह भी जानकारी दी कि शेष 11 मुकदमे भी आर्थिक अपराध शाखा के पास विवेचना के लिए आ गए हैं। अब कुल 68 मुकदमे इस मामले में हो चुके हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।